गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स. बेटा कल हमने लेसन पढ़ा था वसंत भाग दो. लेसन था हमारा 3 हिमालय की बेटियां. तो आज इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं हम. और क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने के बाद मैं आपसे सुनूंगी, तो आप ध्यान से सुनिएगा. फर्स्ट क्वेश्चन है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं? तो क्वेश्चन है हमारा, नदियों को माँ हमारे यहाँ काफी पहले से मानते हैं, लेकिन नागार्जुन नदियों को और किन किन रूपों में देखते हैं? हमारे यहाँ माँ तो नदियों को पहले से ही माना जाता है, लेकिन लेखक जो नागार्जुन है वो और किस किस रूप में नदियों को मानते हैं? नदियों को माँ स्वरूप तो माना गया है, लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें बेटियों, प्रेयसी वह बहन के रूप में भी देखा. लेकिन लेखक नागार्जुन ने नदियों को बेटी, प्रेयसी अर्थात प्रेमिका, बहन, दादी, मौसी, मामी, लड़की, बच्ची आदि अनेक रूप में भी उन्होंने देखा है. किस किस रूप में? बेटी, प्रेयसी, बहन, दादी, मौसी, मामी, लड़की, बच्ची आदि सभी रूपों में उन्होंने नदियों को माना है. सेकंड क्वेश्चन है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं? सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख दो बड़ी नदियां हैं. सिंधु और ब्रह्मपुत्र कहां से निकलती हैं? हिमालय से. कहां से? हिमालय से. हिमालय से निकलने वाली ये दो बड़ी प्रमुख नदियां हैं. इन दो नदियों के बीच से अन्य दो छोटी बड़ी नदियां बहती हैं. ये दो मुख्य नदियां हिमालय से निकलकर आती हैं और इनमें से फिर दो नदियां और छोटी बड़ी निकलती हैं. ये नदियां दयालु हिमालय के पिघले दिल की एक एक बूंद इकट्ठा होकर नदी बनी है. जो ये नदियां हैं, हिमालय कैसा है? दयालु है. और उसकी आंखों से लगा लो, उसके दिल से एक एक बूंद जो निकली है उससे इकट्ठा होकर के ये नदियां बनी हैं. ये नदियां कैसी हैं देखने में? बहुत ही सुंदर और लुभावनी है. ये नदियां कैसी हैं देखने में? बहुत ही सुंदर और लुभावनी है. सिंधु ब्रह्मपुत्र की ये नदियां कैसी हैं? जिसे इतिहास ने पुल्लिंग की संज्ञा भी दी है, पर इन दोनों को महानदों के रूप में भी जाना जाता है. किस किस को? सिंधु और ब्रह्मपुत्र को. कहा जाता है कि ये दोनों ही नदियां ऐसी हैं जो दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से बनी हुई हैं. ये दोनों कैसे चलती हैं? इतराती हुई, इठलाती हुई चलती हैं और समुद्र में जाकर मिल जाती हैं. इनका रूप कैसा है? इनका रूप बहुत ही सुंदर है. इनका रूप इतना सुंदर है कि समुद्र भी इनका हाथ पकड़ते हुए गर्व महसूस करता है. ये नदियां कहां जाती हैं? समुद्र में जाकर मिलती है ना. तो ये इतना सुंदर रूप है इनका कि जब ये समुद्र में जाकर मिलती हैं तो समुद्र भी इनका हाथ पकड़ते हुए बहुत गर्व महसूस करता है. यानी समुद्र को भी बहुत गर्व होता है कि ये इतनी सुंदर नदियां हैं और मेरे अंदर आकर मिल गई. अब थर्ड क्वेश्चन है आपका,
काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? जल ही जीवन है, हमारा जीवन क्या है, जल पर ही आधारित है। जल ना हो तो हम प्यासे मर जाएंगे, जल से ही सब कुछ होता, खाना बनता है। भूखे प्यासे मर जाएंगे हम जल के बिना, तो हमारा जीवन किस पर आधारित है? जल पर है। ये नदियां हमें जल प्रदान कर जीवन दान देती हैं, ये नदियां हमें क्या देती हैं, पानी दे करके जीवन दान देती हैं। हमें पानी कहाँ से मिलता है? नदियों से। नदियों से हमें पानी मिलता है और पानी से फिर हम क्या करते हैं, खाना बनाते हैं और खाते हैं और जिंदा रहते हैं। ये नदियां लोगों के लिए कल्याणी एवं माता के समान पवित्र होती हैं। ये नदियां कैसी होती हैं? लोगों के लिए कल्याणकारी होती हैं और माता के समान पवित्र होती हैं। इन नदियों के किनारे ही लोगों ने अपनी पहली बस्ती बसाई थी और खेती बाड़ी करना शुरू किया था। जो ये नदियां हैं, इन नदियों के किनारे ही लोगों ने अपनी पहली बस्ती बसाई थी। लोगों ने वहां अपनी झोपड़ियां आदि बनाई थी और बस्ती बसाई थी, क्योंकि पानी वहीं से मिलता था, और खेती बाड़ी करना भी शुरू किया क्योंकि खेतों में पानी की जरूरत होती, तो वो भी नदियों से ही मिलता था। इसके अलावा ये नदियां गांव और शहर की गंदगी भी अपने साथ बहाकर ले जाती रही हैं। बस्तियां बसाई, खेती बाड़ी शुरू हुई, पानी की आवश्यकता थी तो खेतों में पानी देने के लिए नदियों से लिया गया। इसके अलावा और क्या था, ये जो नदियां थी, गांव और शहरों के अंदर जो भी गंदगी होती थी उसको अपने साथ बहाकर ले जाती थी। इनका जल भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाता है या रखता है। नदियों का जो जल है भूमि की उर्वरक शक्ति को भी बढ़ाने में काफी सहयोग देता है या भूमिका निभाता है। मानव के आधुनिकीकरण में जैसे बिजली बनाना, सिंचाई के नवीन साधनों आदि में इन्होंने पूरा सहयोग दिया है। मानव के आधुनिकीकरण, जो आज के युग में तकनीकी, चारों ओर तकनीकी सुविधाएं है ना, तो उसमें जैसे तकनीकी सुविधाओं में है बिजली बनाना, सिंचाई के नए नए साधन आदि बनाना, तो इन सब में पानी का पूरा सहयोग है, नदियों का पूरा सहयोग है। मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि पशु पक्षी पेड़ पौधों आदि के लिए भी बहुत जरूरी है। क्या? पानी। केवल मनुष्य के लिए ही पानी जरूरी नहीं है बल्कि पशु पक्षी पेड़ पौधे आदि, इनके लिए भी पानी की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि पशु भी पानी से नहाते हैं, पीते हैं, उनका भी जो भोजन बनता है उसमें भी पानी की आवश्यकता होती है, पक्षी भी पानी पीते हैं, पेड़ पौधों को भी पानी की जरूरत होती है, तो सबके लिए पानी की बहुत ही आवश्यकता होती है। कहा है किस प्रकार से, जल ही तो जीवन है और ये नदियां ही हमें जीवन प्रदान, जल दे करके जीवन प्रदान करती हैं। ये नदियां लोगों के लिए कल्याणकारी होती हैं और माता के समान पवित्र होती हैं। इन नदियों के किनारे ही लोगों ने अपनी पहली बस्ती बसाई थी, खेती बाड़ी करना शुरू किया था। इसके अलावा ये नदियां जो है गांव और शहरों की गंदगी को भी अपने साथ बहाकर ले जाती हैं। ये नदियां भूमि की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने में सहयोग देती हैं और मानव के लिए जो आधुनिकीकरण के साधन है उनमें भी ये पूरा सहयोग देती है, जैसे बिजली बनाना, सिंचाई के और जो नए नए साधन है उनमें भी ये बहुत अधिक सहयोग देती है। केवल मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि पशु पक्षी पेड़ पौधों आदि के लिए भी इनकी बहुत आवश्यकता होती है। इस प्रकार इन सब चीजों को देखते हुए नदियां हमारे लिए कल्याणकारी है। यही कारण है
कि काका कालेलकर इन्हें लोक माता कहते हैं। निष्कर्ष में क्या है, इस संसार के अधिकांश जीवों और पेड़ पौधों का पालन पोषण किसके द्वारा होता है, नदियों के द्वारा होता है। इस संसार में अधिकतर जीवों का और पेड़ पौधों का पालन पोषण किसके द्वारा होता है, नदियों के द्वारा होता है। इसीलिए काका कालेलकर ने इन नदियों को क्या कहा है, लोक माता। शॉर्ट रूप में मैंने निष्कर्ष रूप में बताया है, आपने करना सारा है, ये लर्न भी और राइट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। यात्रा की थी तो हिमालय की यात्रा में लेखक ने क्या क्या देखा था और किस किस की प्रशंसा की। हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों, पर्वतों, बर्फीली पहाड़ियों, हरी भरी घाटियों, महासागरों और वहां पर पाए जाने वाले जंगलों में पाए जाने वाले पेड़ जैसे देवदार, चीर, सरो, चिनार, सफेदा, कैल आदि के जंगलों और हिमालय पर्वत की बहुत अधिक प्रशंसा की है। आप इसके साथ जो ये इसमें है आंसर मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, लेसन आपने पढ़ा है तो लेसन में से और भी ऐड कर सकते हैं। ये नहीं कि केवल यही आप लिखोगे, और जैसे मैंने अभी बताया वो भी ऐड कर सकते हैं हम। हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों, पर्वतों, बर्फीली पहाड़ियों, हरी भरी घाटियों, महासागरों और अद्भुत हिमालय, देवदार जो वहां पर पाए जाते हैं पेड़ जैसे देवदार, चीर, सरो, चिनार, सफेदा, कैल आदि, इन सभी की बहुत अधिक प्रशंसा की है। तो एक बार से फिर सारे क्वेश्चंस और आंसर देख लीजिए, फिर मैं आपसे सुनूंगी। नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है, लेकिन नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। नदियों को माँ का स्वरूप माना गया है। लेखक नागार्जुन ने नदियों को बेटी, प्रेसी, बहन, दादी, मौसी, मामी, लड़की तथा बच्ची के रूप में देखा है। सेकंड है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख और बड़ी बड़ी नदियां हैं। इनको महानदों के रूप में भी जाना जाता है और इन्हीं दो नदियों के बीच में से दो छोटी नदियां भी निकलती हैं और ये नदियां दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद इकट्ठा होकर बनी हैं। और ये कहाँ से चलती हैं, हिमालय पर्वत से ही इतराती हुई चलती हैं और कहाँ जाकर मिल जाती हैं, समुद्र में। इनका रूप इतना सुंदर है, ये इतनी सुंदर है ये नदियां, इतनी लुभावनी है ये नदियां कि समुद्र भी इनका हाथ पकड़ते हुए बहुत अधिक गर्व का महसूस करता है कि ये इतनी सुंदर है और मेरे पास आई है। थर्ड क्वेश्चन है ये, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है। जल ही हमारा जीवन है, नदियां हमें जल प्रदान करके हमें जीवन दान देती हैं। ये नदियां लोगों के लिए कल्याणी एवं माता के समान पवित्र होती हैं। इन नदियों के किनारे ही लोगों ने क्या किया, अपनी बस्तियां बसाई हैं और खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा ये नदियां गांव और शहरों की गंदगी भी अपने साथ बहाकर ले जाती हैं और इनका जल है जो भूमि की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने में सहयोग देता है। मानव के आधुनिकीकरण में जैसे बिजली बनाना, सिंचाई के नए नए साधनों आदि में भी नदियों ने पूरा सहयोग दिया है। मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि पशु, पक्षी, पेड़ पौधों आदि के लिए भी ये बहुत जरूरी हैं। पानी बहुत जरूरी है और पानी कहाँ से मिलेगा, नदियों से, तो इसलिए ये नदियां बहुत जरूरी है। इस प्रकार हमारे लिए नदियां कल्याणकारी है और इसी कारण से काका कालेलकर ने उन्हें लोक माता कहा है, संसार की माता कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है।
हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों, पर्वतों, बर्फीली पहाड़ियों, हरी भरी घाटियों, महासागरों, हिमालय पर्वत, देवदार, चीर, सरोस, चिनार, सफेदा, कैल आदि जंगलों की भी अद्भुत या भूरी भूरी प्रशंसा की है। आ गए होंगे समझ क्वेश्चन आंसर। तो अब मैं आपसे डिस्कस करती हूँ, मैं आपसे सुनती हूँ, अब डिस्कस तो हो गए हैं, अभी आपसे सुनती हूँ, तो बी रेडी। हेलो हेलो,